जी का और पार्वती का शादी हुआ था गाइज। जो बड़ा वाला पहाड़ का उस पार है केदारनाथ। और जाप के बिना तो हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। आप इस इवनिंग का आफ्टरनून का बज चुका है 12:30 और हम लोग इस वाली रूम पे कल आया के रुके थे गंगोत्री धाम होके दर्शन करके। 225 किलोमीटर आके हम इस वाले रूम पे थे और आज सुबह हम केदारनाथ के लिए गए। जब केदारनाथ का जो कि रास्ता टूट के रास्ता बिखड़ के 2 दिन के लिए गेट बंद था तो हम लोग केदारनाथ आज नहीं जा पाया। तो आई होप कल जाएंगे होगा शायद केदारनाथ। तो इस वाले रूम पे था तो गौरीकुंड तक गए थे हम लोग, आगे हमको जाने नहीं दिया। तो कल हम लोग जाएंगे केदारनाथ। तो आज हम लोग जा रहे हैं आज तीर्थी नारायण, जो कि शिवा का और पार्वती का शादी हुआ जहाँ पर, वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं खाना खा के। हमारा गाड़ी आगे खड़ी है। तो आज जा रहे तीर्थी नारायण, जो कि शिव जी का और पार्वती का जो कि शादी हुआ था। तो गाइस वीडियो पे बने रहना, हम लोग जाके शिव जी के और पार्वती के दर्शन कराऊंगे आप लोग को। और कल का जो ब्लॉग होगा वो होगा केदारनाथ का। तो ये वीडियो में कंटिन्यू बनना गाइस। अभी वो ये वाला हिमालय वाला पहाड़ का वो साइड में है जो कि शिव जी का और पार्वती का जो शादी हुआ था। अभी हम लोग होटल पे खाना खा के उस वाला होटल का इस वाला पहाड़ी का उस पार जाएंगे गाड़ी से। तो केदारनाथ का तो हमारा कैंसिल हो गया, तो कल जाएंगे केदारनाथ। तो वीडियो पे बने रहना गाइस। सो गाइस आपने इस वाला होटल में अभी खाना खा लिया, अभी जा रहे हैं, हमारा गाड़ी आ चुका है। अभी तीर्थी नारायण जो कि शिव जी का और पार्वती का शादी जहाँ पे हुआ था तीर्थी नारायण, अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी पे। वीडियो पे बने रहना, ठीक है। तीर्थी नारायण का दर्शन कराऊंगा आप लोग को। रूम वहाँ पर है, देख सकते हो हमारा रूम उस वाला बिल्डिंग पे। और अब हम जा रहे हैं तीर्थी नारायण, देख सकते हो। नीचे से हम लोग ऊपर उठ चुका है, वहाँ पे हमारा रूम है जो कि हम लोग गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन करके आके यहाँ रुके थे सीतापुर जगह पे। अभी हम लोग को तो केदारनाथ जाने के लिए नहीं मिला रोड कोलो से, अभी हम लोग जा रहे शिव पार्वती शादी का जगह। तो गाइस यहाँ का पहाड़ी कुछ ऐसा है, गौरीकुंड से थोड़ा आगे आ चुके हैं हम। गौरीकुंड जाके गणेश जी को शिव जी ने सिर काटा था, वो गौरीकुंड यहाँ से थोड़ा इधर आ गए। कल जाएंगे हम लोग, दिखाएंगे कल का वीडियो में। अब जा रहे हैं हम लोग इधर जो कि शिव जी का और पार्वती का जहाँ शादी हुआ था। एक बात तो है दोस्तों कि असली मजा मंजिल का नहीं रास्तों का है। ओ भाई साहब, रोड टूट के बहुत पूरी तरह से खराब हो चुका है गाइस। तीर्थी नारायण जाने वाला रोड में देख सकते हो गाइस, बहुत बुरी तरह से रोड खराब हो चुका था और इसी रोड में हम लोग जा रहे हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था गाइस, क्या बोलो। रोड टूट के बहुत खराब हो चुका है रोड, तीर्थी नारायण जाने वाला रोड। हमारा रूम से 17 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर अभी हम जा रहे हैं तीर्थी नारायण। ओ भाई साहब, रोड चेक करे कितना बुरी तरह से खराब हो चुका है। देखो भाई, रोड टूट के पूरा नीचे गिर गया है, इतना नीचे कि आप लोग हिसाब नहीं कर सकते कितना पताल का नीचे है रोड। नहीं दे रहा है रोड में, रोड का बीचों बीच में खड़ा है घोड़ा, साइड भी नहीं दे रहा। अभी जा रहे देखो तीर्थी नारायण का पहाड़ में, अभी पहुँचने लगे हम क्योंकि भोले के और पार्वती साथ घोड़ा लोग साइड नहीं देता यार रोड। आज पूरा फ्री है घोड़ा लोग का, 2 दिन से रेस्ट है ना, पूरा घूमने के लिए जा रहे हैं। देखो पति पत्नी यहाँ से तीर्थी नारायण साथ। बारिश का आपके आने लग गया, जब लोग आप तीर्थी नारायण अभी गाड़ी से जस्ट उतरे हैं और मम्मी लोग जा रहे हैं आगे। तो ये तीर्थी नारायण का टैक्सी स्टैंड है और हम लोग जा रहे हैं तीर्थी नारायण, ठीक है। हमारा गाड़ी पार्किंग कर रहा है, तो वीडियो पे बने रहना गाइस। यहाँ से व्यूज कुछ इस तरीके का दिखता है तीर्थी नारायण का व्यूज, तीर्थी नारायण के ऊपर से व्यूज इस तरीके का दिखता है, देख सकते हो। चेक करो गाइस तीर्थी नारायण का व्यूज। आप लोग फाइनली तीर्थी नारायण का सामने है, दर्शन के लिए आए हैं और कल जाएंगे केदारनाथ। तीर्थी नारायण का व्यूज, हमने यहाँ पे पहुंच चुके हैं पूजा करने के लिए जा रहे हैं अभी हम लोग। देखो हाथ में पूजा का थाली है। नॉन स्टॉप बारिश पड़ रहा है गाइस, अभी 8 दिन से नॉन स्टॉप बारिश है, इसलिए केदारनाथ का दर्शन पे नहीं जा सके। अभी तीर्थी नारायण पे आए हुए फाइनली, मैं यहाँ पे पूजा का सामग्री ले चुका हूँ और हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए तीर्थी नारायण। तीर्थी नारायण वही है कि जो शिव जी का और पार्वती का शादी हुआ था वही जगह है। देखें दर्शन करें भाई तीर्थी नारायण का, चलो ये चेक करेगा तीर्थी नारायण।
इसको बोलते तिरजी नारायण, जो कि यहाँ पे हमारा शिव जी का और पार्वती का शादी हुआ था गाइज, इसको बोलते तिरजी नारायण। देख सकते हो गाइज यहाँ पे दर्शन करे तिरजी नारायण का, जो कि शिव जी का और पार्वती का शादी हुआ था। अभी हम लोग यहाँ पे पूजा करने के आया है, जो कि हम लोग केदारनाथ नहीं जा सके आज, बहुत सारा बारिश होकर रोड टूट चुका है गाइस। हम लोग तिरजी नारायण के दर्शन के लिए ठीक है, और जाएंगे काल आ चुके तिरजी नारायण का दर्शन करे गाइस। जय माँ तिरजी नारायण। ये पानी दिख रहा है शिव जी लोग का घोड़ा धोया वाला पानी है ये, यहाँ पे शिव जी पार्वती का घोड़ा धोया था, जो कि पैर धोए थे लोग देव देवता ने, वही पानी है ये। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। गाय जो ये यज्ञ है जो महा देव का और पार्वती का शादी हुआ था। तो गाइज हमारा फाइनली शिव शंकर का और पार्वती का पूजा हो गया, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था अंदर। तो गाइज हम लोग ने पार्वती और शिव जी का जो कि यहाँ पे थान में शादी हुआ था, शिव जी का और पार्वती का ही जगह पे शादी हुआ था, और 33 कटी देवता लोग यहाँ पे चारों तरफ 33 कटी देवता लोग का यहाँ पे जो कि बारह था, और यही जगह है कि शिव जी का और पार्वती का जो कि शादी हुआ था, और यहाँ पे 33 कोटी देवता लोग यहाँ पे बास किए थे। देख सकते हो गाइज ये वही जगह है जो शिवजी और पार्वती का शादी हुआ था। ये चेक करें गाइज, कमेंट में लिखना हर हर महादेव, आपका सारो मंगल का सारे काम मंगल हो जाएगा गाइज। तो गाइज देख देना हर हर महादेव, यही जगह है जो कि शिवजी का और पार्वती का शादी हुआ था गाइज। ये देखो कमेंट में लिख देना हर हर महादेव, जय पार्वती मैया। तो गाइज हमारा फाइनली दर्शन हो गया और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, तो कल जाएंगे केदारनाथ। अभी यहाँ का हमारा दर्शन हो गया है, तब निकल रहे गाइस, बने रहे ठीक है। मैंने गंगोत्री का पानी यमुनोत्री का पानी ले चुका था, और अभी मैं ले चुका हूँ विष्णु कुंड। यहाँ पे लिखा है विष्णु कुंड, ये विष्णु कुंड विष्णु कुंड का भी पानी ले चुका हूँ मैं, ये विष्णु कुंड का पानी ले चुका हूँ। यहाँ पे शादी हुआ था शिव जी का और पार्वती का, अभी विष्णु कुंड का पानी बहुत सारा बारिश और अभी निकल रहा है रूम में गाइस। हेलो गाइस, तो तिरजी नारायण का भी फाइनली दर्शन हो गया, और मैंने बहुत कुछ सामान ले लिया हूँ यहाँ विष्णु कुंड का पानी ले लिया हूँ, और थोड़ा सामग्री पूजा का सामान वामान ले लिया हूँ, और हम लोग तिरजी नारायण से निकल रहे। हमारा पहले दिन हो गया था दर्शन यमुनोत्री का, सेकेंड दिन हो गया था गंगोत्री का, अब आज तिरजी नारायण आया। अब कल जाएंगे केदारनाथ, देखेंगे केदारनाथ का रोड बहुत दूरी बुरी तरह से फटा हुआ है, ख़राब हुआ है, अब देखेंगे जा सकेंगे कि नहीं। अगर केदारनाथ का दर्शन अगर हमारा नहीं हुआ तो फिर बद्रीनाथ निकलना है। तो अभी यहाँ से हमारा दर्शन हो गया, निकल रहे हम लोग, तिरजी नारायण का दर्शन हो गया। यहाँ पे देखो ये व्यू पॉइंट है तिरजी नारायण का, व्यू पॉइंट इस तरह से दिखता है तिरजी नारायण का व्यू पॉइंट गाइज। तो हम लोग अभी जा रहे हैं रूम में, ये देखो तिरजी नारायण का व्यू पॉइंट है ये। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं रूम, हमारा गाड़ी आगे खड़ी है। तो पूरा वीडियो चारों धाम का वीडियो पूरा देख लेना, गंगोत्री का वीडियो डाला हूँ और यमुनोत्री का भी वीडियो डाला हूँ, और ये जो तिरजी नारायण जो कि महादेव और पार्वती का शादी हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पे दर्शन आए थे हम लोग, फाइनली दर्शन हो गया। ये भी वीडियो पूरा देख लेना, ठीक देखेंगे और केदारनाथ का भी आप लोग का दर्शन कराएंगे, ठीक है। तिरजी नारायण का दर्शन हो चुका है, और इस तरह का व्यू पॉइंट में अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे गाइस, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहना, ये चेक करें व्यू, तिरजी नारायण का व्यू पॉइंट कुछ इस तरह का दिखता है, और हमारा दर्शन हो चुका है गाइस, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रूम के लिए। तो देखते हैं अगर कल दर्शन हो जाए केदारनाथ का तो केदारनाथ जाएंगे, और आप लोग को तो मैंने आज तिरजी नारायण का जो कि शिव और पार्वती का शादी जहाँ पे हुआ था वो व्यू दिखा दिया हूँ और दर्शन कर दिया हूँ, ठीक है गाइस। मिलेंगे रूम में जाने के बाद, ठीक है। अभी आ चुका हूँ मैं दर्शन करके, अभी रूम में आ चुका हूँ और रूम में सो रहा हूँ, बहुत थक गया। अभी वीडियो भी एडिटिंग करना है और वीडियो भी अपलोड करना है गाइज। तो ठीक है गाइज, ये ब्लॉग यहाँ से ख़त्म करता हूँ, और देखेंगे कल अगर बद्रीनाथ और केदारनाथ गए तो
आप लोग को वो भी केदारनाथ को भी दर्शन कराऊंगा। केदारनाथ का दर्शन खत्म होने के बाद फिर बद्रीनाथ आएगा परसों। तब तक वीडियो पे बने रहना गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में।